वालेकुम SLS स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास टू, आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ग्रामर ट्री। ओपन योर ग्रामर ट्री बुक्स, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 मेंशन डेट एंड डे, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ बुक, ऑन द टॉप ऑफ पेज। एंड ये 32 पेज पे है एंड 33 पेज पे है। और हमारा यूनिट है वर्ब्स, एम इज आर पास वर्ब। अच्छा जी, अ वर्ब आल्सो टेल अस हाउ और वर्ड समथिंग और समबॉडी। अ वर्ब आल्सो टेल अस हाउ और वर्ड समबॉडी और समथिंग। वर्ब हमें क्या होते हैं, वर्ब हमारे डूइंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो काम हम करते हैं, कैसे करते हैं और क्या करते हैं उसको शो करते हैं, सही है, हमारे एक्शन को। हम कोई भी काम करेंगे उस वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में होते हैं, ठीक है। A verb that are very often used to tell us how or what somebody or something is, are, am, is, are, was, were, ठीक है। ये हम verb के helping verbs होते हैं, is, are, am, is, are, was, were, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इस filling the blank में, जहाँ पे अच्छा first मैं read करूँगी, I am taller than my brother Usama, ठीक है। I के साथ हमेशा क्या आता है, am आता है, ठीक है, टॉलर देन माई ब्रदर उसामा। आई के साथ अपने याद रखना क्या आएगा, एम आएगा। एमन इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल, एमन क्या है, बहुत खूबसूरत लड़की है। तो किसी भी नाम के साथ, जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द नेक्स्ट, द थर्ड वन इज, इट वॉज हॉट एंड हूम्ड यस्टरडे, ठीक है, आज का, अब यस्टरडे गुजर गया, ठीक है, वो कैसा था, बहुत गर्म दिन था। तो जो पास्ट की बात की जाए तो उसके साथ, इट के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। ज़ारा एंड साइमा आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अब दो लोगों की बात हुई है, दो नेम आए हैं ना, ज़ारा भी आया है, साइमा भी आया, तो उसके साथ क्या लगाया, आर लगाया। अच्छा जी, वी वर इन द गार्डन अ लिटल वाइल अगो, ठीक है जी, वी के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। मैंने ये वाज और वर वाला कॉन्सेप्ट आपको यूनिट नंबर 3 में, जो आपकी इंग्लिश की बुक है, ठीक है, उसमें आपको बताया था कि कहाँ वाज लगेगा, कहाँ वर लगेगा। अब हम नीचे टेंसेस को देखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, पास्ट है। प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं, जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ। और पास्ट क्या है, जो गुजर गया है, मतलब जो आपकी छुट्टियाँ पहले वाली थी वो गुजर गई। आगे जी, प्रेजेंट में वन जब आएगा और आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। यू के साथ क्या लगता है, क्योंकि जो बहुत सारे यू के साथ क्या लगेगा, वन टाइम के साथ, और ही शी इट के, इट ये की शी इट के साथ क्या लगेगा, इट इज़। आगे मैनी, वी के साथ क्या लगेगा, आर, क्योंकि मैनी है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके साथ क्या लगता है, आर लगता है। यू के साथ आर, दे के साथ आर। जो यू है ना, ये वन और एनी दोनों टाइम में सेम ही होता है, यू के साथ आर लगेगा वन टाइम भी, और मैनी के साथ भी यू आर लगेगा। नीचे आ जाएं पास्ट पे, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। यू के साथ क्या लगेगा, वर, ही शी इट के साथ वाज, ही शी इट के साथ क्या लगेगा, वाज। प्रेजेंट में क्या लगता है, इज लगता है, और पास्ट में क्या लगता है, वाज लगता है। अब मैनी को हम देखते हैं, वी वर, क्योंकि बहुत सारों के साथ वर, और एक चीज़ के साथ वाज, यू के साथ वर। अब देखें, यू स्टिल एक जैसा ही है, वन में भी मैनी में भी, वन में भी यू आर, मैनी में भी यू आर, पर पास्ट टेंस में यू के साथ वर, और वन में और मैनी के साथ भी यू वर, और दे के साथ भी वर, क्योंकि दे बहुत सारे लोगों को डिफाइन करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी, ये सिंगुलर किसी चीज़ के साथ यूज़, एम इज़ और वाज, ठीक है, और प्लूरल चीज़ों के साथ, मोर देन जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही होती है, तो उनके साथ क्या लगता है, और वर। आगे नीचे फिलिंग द ब्लैंक है, मैं ये 5-6 फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको बताऊँगी, उनको एक्सप्लेन करूँगी, बाकी सारी आप लोगों ने खुद राइट करनी होंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर मदर। और ये फिलिंग द ब्लैंक करने आप लोगों ने अपनी कापियों, अपनी बुक्स पे राइट करनी है, ये वाली भी एंड जो नेक्स्ट पेज पे है ये वाली भी। चलिए जी, फर्स्ट करते हैं, रायना डैश गो टू द सेम स्कूल, देन आई गोज टू। अच्छा जी, कोई भी नाम होगा ना तो उसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे, ठीक है, रायना के साथ गो नहीं आएगा, गो इज गोज आएगा, ठीक है, और आई के साथ क्या आएगा, आई गो टू।
देन आई वॉज फॉर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वन लास्ट ईयर. अच्छा जी, आई के साथ मैंने यहाँ पे पीछे बताया था, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा. वर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है. टॉम वांटेड टू टेक पार्ट इन द प्ले. ठीक है जी, टॉम है तो टॉम टू टेक अ पार्ट इन द प्ले, तो टॉम के साथ वांट नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी, वांटेड लगेगी. ठीक है, रयान एंड राहिम डैश इज आर फ्रेंड. तो अब दो लोग की बात होगी, मैंने यहाँ पे बताया था ना, बिजायरा एंड साइमा आर गुड फ्रेंड्स. तो यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया. देयर डैश इज आर 30 स्टूडेंट इन माई क्लास. ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट की तो बात नहीं हो रही ना, बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है, तो क्या आएगा, आर. अच्छा जी, बाकी की जो जो फिलिंग ब्लैंक है आप लोगों ने ये डाउन करनी है, ये देख लें 10 सेकेंड की वीडियो में. अपनी अपनी कापियों पे राइट कीजिएगा, अपनी अपनी बुक्स पे राइट कीजिएगा. ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी. क्या है, फिलिंग द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ब्स, चूज फ्रॉम एम इज आर वाज एंड वर. अच्छा जी, अब ये पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको बताएंगे कि कहाँ, कि यहाँ पे क्या लगाना है, मतलब आप लोगों ने चूज़ करना है एम इज आर या वाज एंड वर को. जो आप नीचे सेंटेंस दीजिएगा उनको आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या लगाना है. ये ऊपर चॉइस दी जाएगी ना, आप लोगों ने सेलेक्टिव वर्ड वर्ड लेकर इधर फिलिंग द ब्लैंक में पुट करना है. तो पाकिस्तान तो एक बड़ी कंट्री है, एक चीज़ का नाम है, तो मैंने नाम के साथ क्या बोला है, ही शीट के साथ क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, वन टाइम, पाकिस्तान डैश अ लार्ज कंट्री, पाकिस्तान इज अ लार्ज कंट्री. अगर पाकिस्तान की बात होगी, अर्थ भी एक चीज़ है, क्योंकि अर्थ दो थोड़ी है, एक ही अर्थ है, तो द अर्थ इज राउंड. डैश, अब आई के साथ मैंने क्या पीछे बोला था, यहाँ पे आई एम टॉलर, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम अ पपल ऑफ क्लास टू. दीज वर्ड्स, अब वर्ड्स आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं, तो क्या लगेगा, आर. अच्छा जी, दे डैश हंगरी आफ्टर देयर लॉन्ग वॉक. अच्छा जी, अब दे के साथ आर भी लग सकता है, वर्ड भी लग सकता है. ठीक है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा. अच्छा जी, अब आप लोग ये पूरा पेज 10 सेकंड की वीडियो में देखें और अपनी अपनी बुक्स पे इसको मेंशन करना है आपने. ये पहले मैं फर्स्ट 10 की बना दिखाती हूँ आपको. एंड बाकी ये लास्ट वाली ध्यान से लिखिएगा, आगे पीछे करके नहीं लिखिएगा. ये ना हो जिन वर्ड्स में वाज लगाना है वहाँ पे वर हो, और जहाँ पे वर लगाना है वहाँ पे वाज हो. ओके, अच्छा जी, इंग्लिश की बुक ओपन करें, ब्लू बेल वाली, उसका यूनिट नंबर 3 निकालें, वाज और वर वाला. ठीक है, ये मैं आपको छुट्टियों से पहले जब आप स्कूल आया करते थे तब ये सारा यूनिट एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ. ठीक है, ये जो वर्ड सेंटेंस हैं इस यूनिट के, वर्ड सेंटेंस, ठीक है, वो मैंने करवा दिए हैं. बट कुछ बच्चे उन दिनों छुट्टियों पे थे, जो नहीं आ रहे थे, एब्सेंट थे, उनकी आसानी के लिए मैंने कॉपी पे ये वर्ड सेंटेंस लिख दिए गए हैं. आप लोग जल्दी से वो लोग वो राइट कर लें. ठीक है, नोटबुक पे, नोटबुक ओपन करें. सबसे पहले नोटबुक पे क्या लगाना है, डेट एंड डे मेंशन करनी है, यूनिट का नेम, वाज वर. आप लोग हमेशा यूनिट का नेम भूल जाते हैं, बट यूनिट का नेम लाजमी लिखना है. यूनिट का नेम लिखने के बाद वर्ड सेंटेंस, ये देख लें 10 सेकंड में. एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी. ये आपकी होम असाइनमेंट है. ठीक है, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है. ओके जी, टू क्लास, अल्लाह हाफिज़.